हेलो स्टूडेंट्स, अगेन अनदर वीडियो फॉर योर पैसेज नरेशन. दिस टाइम विथ प्रैक्टिकल मीन्स कि दिस टाइम विथ प्रैक्टिस. सो लेट अस स्टार्ट विथ अनदर एग्जाम्पल. लुक हियर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट समटाइम्स दिस पैसेज नरेशन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. सो द क्वेश्चन फॉर माई दिस एग्जाम्पल विल बी, put the following dialogues into the indirect form. Mohan, have you seen the library, John? John, no, I haven't. Mohan, this is our library. John, you have a very nice library. Now, how we have to give reply? Listen carefully. Like, we have to convert it in indirect form. So, reply for this dialogue, these dialogues will be like this. Mohan asked. आप जैसे पहले करते थे, like आप इस पहले sentence को देखिए, इसका reply आपको दे रही हूं. Mohan asked, because this is question. Question mark is given in the last of the sentence. Mohan asked John. किसको पूछा उसने? Mohan और John के आपस में बात हो रही है, तो Mohan asked John. बाकी वैसे ही जैसे आप पहले सारा करते थे. इफ यू को किस में कन्वर्ट करोगे? बिकॉज यहां पे जो यू है, बातचीत दोनों में ही हो रही है, तो यू किसके लिए है? जॉन के लिए. इफ यू विल बी चेंज इन टू ही हैड सीन द लाइब्रेरी. इफ ही हैड सीन द लाइब्रेरी. इफ ही हैड सीन द लाइब्रेरी. दिस इज द रिप्लाई फॉर योर फर्स्ट सेंटेंस. नाउ अब आपको सेकंड रिप्लाई देना है सेकंड सेंटेंस का. तो आप वैसे ही, मतलब इसमें आपको कोई ये जो आपके पंक्चुएशन मार्क्स सब हटा देने हैं, ठीक है? सीधा रिप्लाई कीजिए, लेकिन लिखने का ढंग उसके नीचे आ जाइए. जैसे हमने सेकंड डायलॉग लिखा है, इसी तरह आप इसको करेंगे. जॉन ने क्या किया? इसको रिप्लाई दिया. आपको ये देखना है कि ये क्या है. जैसे पहला, हैव यू सीन द लाइब्रेरी, तो दिस वॉज क्वेश्चनिंग, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो हमने उसके लिए आस्क वर्ड का यूज कर लिया. अब जॉन रिप्लाइड, जॉन ने क्या रिप्लाई दिया? आई हैवंट, तो आई किस में कन्वर्ट होगा? नो, ही रिप्लाइड दैट ही डिडंट, मतलब उसने नहीं देखा. ही हैड नॉट, ही हैड नॉट. ये आपका हैव जो है हैड में चेंज हो गया, ठीक, राइट. अब थर्ड सेंटेंस वाली साइड आ जाइए. मोहन, दिस इज आवर लाइब्रेरी. अब दिस इज आर लाइब्रेरी, आपको इस सेंटेंस से क्या लग रहा है? कि मोहन जॉन को दिखा रहा है ना लाइब्रेरी, तो आपको यहां पे वर्ड यूज करना है शोड. मोहन शोड किसको दिखाई लाइब्रेरी? उसने जॉन को. आर इज चेंज इनटू देयर लाइब्रेरी, राइट. आपका सिर्फ मतलब ये है कि जैसे आप पहले एक सेंटेंस को करते थे, अब आपके वो चार सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया. नाउ अगेन, अब लास्ट जो सेंटेंस है, जैसे जॉन का क्या था? यू हैव अ वेरी नाइस लाइब्रेरी. जब मोहन ने जॉन को लाइब्रेरी दिखाई, जॉन रिप्लाइड कि आपकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है. तो इस पे ऑन सीइंग दिस सिंपल वे में, ऑन सीइंग दिस, अब किसने रिप्लाई दिया था? जॉन ने कहा था ना. On seeing this, John said, क्या कहा था उसने? That क्या था? You have a very nice library. That it was a very nice library. It was a very nice library. Simple. That's all. सिर्फ आपको लिखने का पैटर्न इसका, जैसे ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं, आप इसे एक पैसेज में कन्वर्ट करेंगे सिंपल वे में. सिर्फ आपका लिखना है एक ऐसा पैसेज में वो शो होना चाहिए. ये आपके आंसर्स हैं, आपको इस वे में ये क्वेश्चन होगा. ओके, नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ डिफरेंट पैटर्न. नाउ दिस टाइम ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, पहले जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी वो थी इनडायरेक्ट स्पीच में. नाउ चेंज इट इनटू डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल इज गिवन हियर. उमंग आस्क्ड गुंजन व्हाट शी वाज प्रिपेयरिंग. ठीक है, आप इसे देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लिखने का उसका पैटर्न देखिए. दिस इज क्वेश्चन.
Umang asked Gunjan what she was preparing. Gunjan replied that she was preparing tea. अब आपको इसे रिप्लाई किस तरह देना है? जैसे पहले जो मैंने एग्जाम्पल दी थी, डायलॉग पैटर्न में लिखना है इसको. वो कैसे? लाइक जैसे ये उमंग है, उमंग, राइट इट इन डायलॉग पैटर्न. उमंग, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग गुंजन? क्योंकि यहां पे देखिए आस्क वर्ड यूज किया गया है. जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था, वो क्वेश्चन था तो आपको आस्क वर्ड यूज आंसर में किया गया था. दिस टाइम व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग गुंजन, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग गुंजन. सिर्फ रिप्लाई आपको लिखने का पैटर्न जो है उस पे ध्यान देना. अब क्वेश्चन मार्क, ठीक, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय उमंग. नाउ रिप्लाई हैज बीन गिवन बाय गुंजन. तो व्हाट वाज गुंजन्स रिप्लाई? गुंजन रिप्लाई, क्या रिप्लाई दिया उसने? दैट आई एम प्रिपेयरिंग टी. शी वाज प्रिपेयरिंग टी. आई एम प्रिपेयरिंग टी. आई एम प्रिपेयरिंग टी. बस दिस इज दैट इज दीज आर टू फॉर्म्स फॉर योर पैसेज नरेशन. सिर्फ आपको अब देखना है लिखने का ढंग. अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है तो आपको वो जो है डायलॉग पैटर्न में इस तरह आंसर देना है. अगर आपको क्वेश्चन जो है इस तरीके से दिया गया है तो आपको रिप्लाई इस तरीके से देना है. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो पुट योर क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स.